गोल आता है कैसे? गोल आता है मतलब आजू बाजू का वो जैसा टाइम लैप रहता है आईफोन में वैसा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से बहुत बारिश हो रही थी, रात भर से बारिश हो रही है। हम लोग अभी निकले हैं 8 नंबर के लिए, रात भर से बहुत बारिश हो रही है। तो हमारे मुसद्दिक भाई मुश्यू राइडर बोले चलो 8 नंबर थोड़ा जाकर आते हैं। हम लोग घर में बैठे बैठे सच में रात भर से बारिश हो रही है। सुबह अभी भी देखो थोड़ी बहुत हो ही रही है, मौसम देखो बारिश का बना हुआ है और आज आशूरा भी है। मुझे ऐसा लग रहा बहुत बारिश होगी और मैं व्लॉगिंग करने के लिए मुसद्दिक भाई का मोबाइल लिया क्योंकि इनका मोबाइल की कैमरा क्वालिटी देखो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। पूरा पानी भरा हुआ है। हम लोग पहुंच चुके हैं 8 नंबर। हम मुसद्दिक भाई को पता नहीं क्या लेना भाई। तो भाई बोल रहा हम लोग ऐसे घूमने आए, ऐसे घूम के वापस चले जाएंगे, कुछ लेना नहीं है इनको। नहीं भाई मैं क्या लूंगा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जो आधा टाइम पास करने आया इसको देखो। तो देखिए सामने शरबत बट रहा है, हम लोग जा रहे हैं अभी शरबत पीने के लिए। हम लोग यहाँ पर आए शरबत पीने के लिए। माशाल्लाह शरबत तो मिल चुका है हमको, अल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहाँ पर बारिश हो रही थी, यहाँ पर खड़े हो गए। बारिश का मौसम बना हुआ है सुबह से, तो माशाल्लाह शरबत बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पर आए थे 8 नंबर, तो यहीं से पहले हम लोग का शरबत का शुरुआत हो गई है। और इमाम हुसैन का सदका फेर है, अल्लाह पाक तो उनके सबकी हमारी मगफिरत फरमाए। भाई कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पर, बारिश हो रही है? हाँ भाई घूमना तो बड़े ना, मेरा आने का मन नहीं था, बोले चलो 8 नंबर घूम कर आते हैं। बोले ठीक है चलो अभी टाइम नहीं था। बारिश तो रात से ही हो रही है भाई, एकदम पूरे घर में पानी हो गया। मेरे सुशील भाई के, अमीर भाई के भी हुआ रहेगा, इतना बारिश हो रही थी। जाहिर सी बात है बारिश तो हो रही है, लेकिन निकलना पड़ेगा भाई, घर पे भी जाना है और दोपहर की जोहर की नमाज भी आशूरा की। ज्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर नमाज छोड़ी जाएगी। ये दोनों काम ये हमारे भाई साहब ज्यादा चिल्ला रहे, लड़ रहे लोग। लड़ाई देखने हमारे छुड़ाते ना फिर भी नहीं छोड़ते, लोग बहुत दिल्ला लड़ते। आ गए हैं मुसद्दिक भाई की गाड़ी के पास। शफीक भाई के घर पे गए थे लेकिन कड़ी बंद थी अंदर से, इसलिए आ गए हम लोग। तो अभी बारिश का टाइम तो हो रहा है, चला पाएंगे नहीं, तो चलो चलते घर पे भाई। मौसम खुलेगा ना तो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह देखो शाम तक या कल तो काम पे रहूंगा। कैमरा ऐसा हिलता है जैसे कि बाप रे, दोस्ती नहीं है मेरी इसके साथ, बनानी पड़ेगी गहरी दोस्ती कैमरे से। हाँ फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ घर पे, बहुत बारिश हो रही थी बाहर। हम लोग ने सिर्फ एक ही जगह अभी शरबत पिया और नीचे बन रहा था मस्जिद के पास। राजा भाई ने भी घर पे शरबत लेकर आ गए मेरे एक टॉप, लेकिन वो अभी थोड़ा काम कर रहे हैं किचन के पास, तो बाद में देखो। रात भर ऐसी था, पूरा घर में पानी आया। वो सदीक भाई तुम तो मस्त सो रहे थे कुमा उधर पे साइड में। इसके बाद घूम कर अगर कोई तो मैं 3 से 4 बार उठ के मैंने पानी पहुंचा, दरवाजे के पास से बहुत पानी आ रहा था। और ये कोना है हुक का, उसमें से भी पानी बहुत आ रहा था नीचे, इधर ही पूरा गिरा था। देखो अभी भी पूरा गीला ही है। मेरी कुर्सी देखो छत पे कहाँ चले गए, हवा से इतने दूर चले गए। बापरे पानी में कुछ करने बहुत जान पे आता है, घेर आती है सही में। मेरी बेटी सो गई, कितना रो रही थी इनको कुमा भाई को देख के। तेरी बेटी ना पागल है, बहुत रोती है। तो ये बन गया। फ्रेंड्स मैं आया था यहाँ पे चार को कब्रिस्तान, ब्रांड भाई के साथ मेरा दोस्त है उसके साथ आया था। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, बस रास्ते में फंसे, बारिश होने लग गई वापस। आज बारिश नहीं रुकने वाली भाई।
दो खिचड़ा ले लिया मैंने से, बोलते हो भाई खिचड़ा खाते हो, बोला हाँ। आया तुम्हारे घर पे खिचड़ा? हाँ तो ले लो, दो दो पैकेट है मेरे घर पे तो आया है। हाँ अरे वो वसीम ने क्या बोलते अपना आमिर भाई की वाइफ ला के दी एक, और एक वसीम भाई ला के दी। हाँ अभी तुम्हारे लिए दो पैकेट रखा इसके अंदर, ले लेना दो फोटला। जा रहे थे बाइक गाड़ी से, बारिश देखो बहुत ही तेज हो गई है। हम लोग रिक्शा में बैठे अभी, माल तो वहीं पड़ा हुआ अपना। बहुत फास्ट हो रही है, रेनकोट छतरी वितरी कुछ भी नहीं ले रहा भाई, अपना सब बिक गया। कम से कम 8 दिन की बरसात है। हाँ अभी जाके सबसे पहले घर पे प्लास्टिक लगाऊंगा भाई, वरना रात में सो नहीं पाते, 3-4 बार उठना पड़ रहा था मेरे को, बार बार दरवाजे से पानी आ रहा था, बार बार उसको पोछा लगा के पूरा करना पड़ता था। तो निकलते, थोड़ी बहुत बरसात बाकी है बस। यहाँ पे आया था 7 नंबर आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए, जैसे कि आप सब देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कराना था, समझ लो बहुत सालों से कराना था, तो आज इमरान भाई मतलब दोस्त के साथ में आया हूँ तो उनके ज़रिए हो पाया है। मैंने से मेरे जो दोस्त हैं उनका भी आधार कार्ड अपडेट करना था नंबर, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वो आधार कार्ड सेंटर बंद करके चले गए। सुबह 8 बजे खुलेगा तब आएंगे भाई। और देखिए हम लोग पीछे आए थे मच्छी का दाना लेने के लिए, जो इमरान भाई है मेरे दोस्त उनके लिए, तो ये भी बंद है। भाई साहब आए थे घर का सामान भराने के लिए, कांदा टमाटर बटाटा, तो अभी कांदे की तलाश में निकले हैं। पूरी दुकान बंद है यहाँ से, सिर्फ कुछ कुछ चालू है बस। अभी आ गया, पता नहीं क्या किसकी तलाश में निकले। एक ही गाड़ी में बैठा हूँ, माशाल्लाह भाई ने नवी गाड़ी लिए हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है, एक्टिवा देखा, बहुत ही प्यारी गाड़ी है माशाल्लाह। नहीं मिलेगा तुमको, चलो चलो बांधो बांधो। तो 5 नंबर जा रहे हैं, अच्छा मौसम भी बना हुआ बारिश का, जल्दी जल्दी चलो आ जाएंगे फटाफट। नंबर मच्छी का खाना लेने के लिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सब लाइन से दुकानें बंद है, ये खुली है। अरे यार पैड है, मच्छी का नहीं मिलेगा यहाँ पे, बिल्ली का है। आई को पैड शॉप के एक दुकान मिल गई, ले लिए भाई ने सामान। अब देखो बारिश भी हो गई है, चलो जल्दी निकलेंगे। ये नहीं जाएगा ना उसके अंदर, मेरे कैमरे में पानी लग गया। चलो चलो, अरे ट्रैफिक भैया रुक जाओ जरा, कोई रुक ही नहीं रहा है। हम शो कर लेंगे तो उसका फाइन बढ़ती है। अभी भी कितनी सारी गाड़ी पड़ी हुई है, इतनी सारी गाड़ी पड़ी हुई है, सब जाएगी। पार्किंग का टाइम हो गया भाई, गए पार्किंग पे लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर धूप में बारिश हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं कल या परसों मेरे ख्याल से बारिश में कुछ ज़्यादा भीग गया, तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, उस वक्त तो सर्दी हुई थी। तो आज गया चारकोप कब्रिस्तान दोस्त के साथ, तो वहाँ से जब आया तो मेरे बदन में इतना दर्द दे रहा था और ऊपर से बुखार भी हो गया था। तो मैं आके लेट गया, फिर 7:30 बजे जाकर दवा लेकर आया, तो माशाल्लाह अल्लाह के करम से 9:30 बजे थोड़ा बुखार ठीक हुआ। फिर उठा, खाना वगैरह खाया, नमाज वगैरह पढ़ा। तो बस ये मैं सोचा आप लोगों को बता दूं, और व्लॉगिंग भी तो आज इतनी नहीं हो पाई है, मैं जितना हो सका मैं आप लोगों को उतना दिखाया। और दुआ कीजिए मेरे लिए भी कि अल्लाह सबको सलामत रखे।
बस ये कुछ बातें आप लोगों को बतानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की। मैं काम पे रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने का और यहाँ वहाँ जाने का, तो मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि अच्छे से अच्छी बेहतर बेहतर वीडियो आप तक पहुँचाऊँ और आप लोग आगे देखें अच्छी लगे तो। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।